अस्सलामुअलैकुम। चटपटा और मसालेदार गोड़ा बनाना है और बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल ये रेसिपी आपके लिए है, बहुत हेल्पफुल होगा। ये रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले एक मिक्सी जार ले लेंगे, उसमें 10 से 15 हरी मिर्च लिए, एक मुट्ठी हरा धनिया, 4 से 5 पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूरत के मुताबिक ऐड करके एक पेस्ट बना लेंगे। अब इसे हम बिल्कुल प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर कुकर में कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल इस तरीके से। इसमें मैंने एक हाफ कप ऑयल ले लिया है, सरसों ऑयल में बनाऊंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होने के बाद 4 से 5 कड़ी पत्ता और 1 से 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। 3 बड़े साइज़ के प्याज को बिल्कुल स्लाइस में कट कर लिया था, उसे ऐड कर देंगे। अब इसे हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं एक बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून, और उसे भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे बिल्कुल एक मिनट के लिए। अब गुर्दे को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट किया है, वो बिल्कुल सारे गुर्दे को अच्छी तरीके से पानी उसका ड्रेन करके उसे ऐड कर देंगे। अब एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और प्याज के साथ गुर्दे को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं पानी जो है वो बिल्कुल रिलीज़ हो रहा है, तो गुर्दे में थोड़ा पानी ज़्यादा होता है तो इस वजह से। अब 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे। आप देख सकते हैं बॉईल बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली चॉप किया था उसे भी ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल 5-5 मिनट के लिए इसे हम भून रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से बॉईल आ रहा है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और जो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने जो मसाला तैयार किया था, चटनी हरी मिर्च धनिया पुदीने की, अब उसे ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका था और ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका था। इस मोमेंट पे हम प्रेशर कुकर का लीड लगा देंगे और इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं जब ज़्यादा पानी हो तो अगर आपको जितना मसालेदार चाहिए आप उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। हम पानी को हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह चटपटा मसालेदार इस तरीके से मैंने रखा है। हरी धनिया चॉप की भी वो भी ऐड कर देंगे और बिल्कुल चटपटा मसालेदार हमारा गुर्दा मसाला तैयार हो चुका है। एक बार आप मेरे बताए हुए मेथड से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप नान के साथ और पराठे के साथ, रोटी या चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े का लगता है। बहुत सारे मसाले हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने इसे 5-5 मिनट के लिए भुना और फिर हम प्रेशर कुकर का लीड लगा के 3 से 4 सीटी आने तक इसे पका लिया। और एक बार आप मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी आपके। और ये रेसिपी अगर आपने अपने फैमिली के साथ शेयर की ना, और अगर आपने बना के उन लोगों को खिलाया, तो आपको ज़रूर तारीफ़ मिलेगी, बहुत पसंद करेंगे आपकी भी फैमिली। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।